नमस्कार, दृष्टि आईएएस के डेली करंट न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। डेली करंट न्यूज प्रोग्राम में चर्चा का विषय है, कौन थे पिंगली वेंकैया। तो आइए जानते हैं पिंगली वेंकैया के बारे में। आज भारतीय ध्वज के डिजाइनर और एक महान स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया की जयंती है। उनका जन्म 2 अगस्त 1876 को आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में हुआ था। पिंगली वेंकैया ने अफ्रीका में एंग्लो बोअर युद्ध के दौरान दक्षिण अफ्रीका में ब्रिटिश सेना में एक सैनिक के रूप में कार्य भी किया। वह एक भाषाविद, भूविज्ञानी और लेखक भी थे। उन्हें जापान वेंकैया, पट्टी वेंकैया और झंडा वेंकैया जैसी दिलचस्प उपाधियां दी गई थीं। वह गांधीवादी सिद्धांतों में दृढ़ विश्वास रखते थे। 1918 और 1921 के बीच वेंकैया ने कांग्रेस के हर अधिवेशन में अपना झंडा होने का मुद्दा उठाया था। महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय ध्वज की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए वेंकैया जी को 1921 में राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक में एक नए सिरे से झंडा डिजाइन करने के लिए कहा था। प्रारंभ में उन्होंने झंडे में केसरिया और हरे रंग का उपयोग किया था। बाद में केंद्र में सफेद रंग के साथ चरखा जोड़ा गया। 2009 में उनकी स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया गया था।